आज की वीडियो अपनी होने वाली है किसने जन्मभूमि के ऊपर। मोबाइल जो है अंदर अलाउड नहीं है, मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, सब अपन को अपनी गाड़ी में रखना पड़ेगा। वो वाला कैमरा ले चल सकते थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, वीडियो अपने पास आ गई है। वो वाले मंदिर जाते हो तो क्या क्या आपको चीजें नहीं करनी है। हे कृष्ण अनुरागी साधु जनो, आज मैं केवल एक भाई हूँ, परंतु श्री कृष्ण कथा के भाई, जैसे कि आप सभी को पता है नोनी अभी मथुरा में, तो आज की वीडियो अपनी थोड़ी सी स्पेशल है। स्पेशल क्यों मैं आपको बता देता हूँ, आज की वीडियो अपनी होने वाली है कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर। जितनी जानकारी अपन आपको दे सकते हैं, मतलब कि तुम्हारा भाई तुम सबको दे सकता है, देने की कोशिश करेगा। जितना अच्छा आज का वीडियो मैं बना के दिखा सकता हूँ, आप सभी को बना के दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। बस एक चीज की रिक्वेस्ट है भाई लोग, जितना हो सके बिना स्किप करें लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। पूरे वीडियो में से वीडियो को कौन सा पार्ट कैसा लगा, पूरी वीडियो कैसे लगी, सारी चीजें कमेंट बॉक्स में भर देना। और सीन को जैसा ही फटाफट से चेंज करना है, नाना है और चेंज करने के बाद निकलना है। नोनी है, अकेला नहीं है नोनी, तुम्हारे भाई लोग है, मतलब तुम्हारे भाई के साथ उसके भाई लोग भी है। तो फटाफट से सब लोग नहा रहे हैं, मैं जो है सबसे लास्ट में रह गया। माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही है ना भाई, अपन ये भी कवर कर ले, वो भी कवर कर ले, बट करेंगे जितना हो सकेगा, जितना ज्यादा हो सकेगा सारी चीज कवर करेंगे आज वाली वीडियो में। बट माइंड में एक चीज चल रही थी कि भाई मथुरा आए और क्या नाम बताया था सौरभ भाई महाराज का, प्रेमानंद महाराज ना, हाँ प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने। दर्शन भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो है जहाँ तक मेरे को सुना है और जितना मेरे को पता है, रात में 2:30-3 बजे जो है वो अपने घर से निकलते हैं, आश्रम तक जाते हैं, मतलब पैदल जाते हैं। तो उनके दर्शन जो है मेरे को जहाँ तक लगता है वहीं पर हो सकते हैं। तो आज तो पॉसिबल नहीं है, बट कल नोनी और रुका है यहाँ पे, तो अपन कोशिश करेंगे कल रात को चलने की। वहाँ पे चलना पड़ेगा अपन को प्रेम मंदिर के ऊपर। अरे कहना क्या चाहते हो? उसके लिए अपन को चलना पड़ेगा प्रेम मंदिर, जो कि रात में 2:30-3 बजे वो निकलेंगे। और भाई बस ऊपर वाले से प्रे करना कि दर्शन अच्छे से अच्छे हो जाए। लेट सी क्या सीन रहेगा वाली वीडियो की बात उसी वीडियो में करेंगे। बस आज की वीडियो अपनी होने वाली है कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर, तो अच्छी से अच्छी बना के आप सभी को दिखाते हैं। बाकी अभी रेडी होके थोड़ी सी देर में नोनी मिलेगा आप सबसे, यहाँ से मूव करते समय। तो चलिए A few moments later. So भाई तुम्हारा भाई तो यहाँ पे रेडी हो चुका है फुल पावर यहाँ पे, और बाकी के देखते हैं अपने सारे भाई रेडी हुए कि नहीं हुए। फिलहाल मैं अपना रूम दिखा दूँ भाई, ये चेक कर सकते हैं आप भाई, काफी सेक्सी सा और काफी प्यारा सा रूम है यहाँ पे। और होटल का अगर मैं आप सभी को बताऊँ कि तुम्हारा भाई अभी कहाँ पे रुका है, होटल का नाम मे बी शायद भाई मधुबन है, होटल मधुबन करके, लोकेशन मुझे अच्छे से पता नहीं है। तो अभी अपन चलते हैं अपने रूम के बाहर, बाकी सारे भाइयों से आप सभी को मिलवाते हैं एंड देखते हैं वो रेडी हुए कि नहीं हुए। तो लेट्स गो। अरे वो एक नहा रहा है ना हमारा भाई, लो भाई तुम भी आ जाओ वीडियो में, हेलो कर दो। हेलो, अरे केतन जल्दी कर ले यार भाई, बंद हो जाएगा फिर कोई मतलब नहीं है जाने का, मोबाइल चलाता रहता अंदर बैठ के। अच्छा लड़कियां कितना टाइम लगाती है तैयार मैयार होने में, लड़के क्या है फटाफट से नहाया पानी डाला भाई, बाल जो है सेट वेट कुछ करने नहीं है, हाथ कैसे फेर ले केतन भाई जरा दिखा देना, हाथ कैसे फेरते काम हो जाता फटाफट, सब लोग नीचे खड़े हैं भाई, तुम्हारा भाई यहाँ पे रेडी है, केतन भाई फटाफट से हो रहा है, बस 2 मिनट में मेरी तैयार होने से पहले तुम तैयार हो जाओगे, नहीं हो पाओगे, हो जाएंगे बस हो जाएंगे। चलो भाई फटाफट से तैयार होते हैं, नीचे मिलते हैं सारे भाइयों के साथ थोड़ी सी देर में। तो चलिए तो वही सीन यहाँ से ऐसा बन रहा है कि जिस गाड़ी से अपन आया वो भैया ने बताया मोबाइल जो है अंदर अलाउड नहीं है, मोबाइल हो गया पर्स हो गया सब अपन को अपनी गाड़ी में रखना पड़ेगा। तो अपन सोचे थे वीडियो वगैरह बनाएंगे, मगर सीन यहाँ से ऐसा बन रहा है मोबाइल रखना पड़ेगा अपन को गाड़ी में। तो बढ़िया से दर्शन वगैरह करके आते हैं, दर्शन करने के बाद वापस अपने मोबाइल से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल सामने का इंटरफेस अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो भैया चेक कर सकते हैं, मोबाइल पर्स कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर। तो फटाफट से अच्छे से दर्शन करके आते हैं एंड अभी मोबाइल गाड़ी में रख देते हैं, दर्शन करने के बाद आके इस वीडियो को यहीं से नोनी करेगा कंटिन्यू थोड़ी सी देर में। तो चलिए कृष्ण अनुरागी साधु जनों, इसे अपना सौभाग्य जानो कि प्रभु कृपा से बैकुंठ सी महिमा वाली मूर्धन्य ब्रज भूमि पर तुम्हारा आगमन हुआ है। मैं भी तो श्री कृष्ण इच्छा से ही गोलोक धाम छोड़ पृथ्वी पर आई थी, प्रभु की परिक्रमा कर कलिंग पर्वत से होते हुए मैं धरती पर उतर आई। मैं सूर्य सुता श्री कृष्ण की पटरानी यमुना हूं,
मैं श्री कृष्ण के बाएं अंग से उत्पन्न हुई और ब्रज में मेरा वास है। जो सुख ब्रज में एक घड़ी सो सुख तीनों लोक में नाही। धन्य है घोषपुरी, धन्य है घोषपुरी। ब्रज जहां सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान मुरली मनोहर ने अनेकों लीलाएं रची, गोपों गोपियों और गौ समूह संग ब्रज मंडल में मनोहर क्रीड़ाएं की। मेरे नेत्रों से देखो तो ब्रज में श्री कृष्ण लीला आज भी सतत घट रही है। हो तो वही रस खानी बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करे मिली आलंदी कूल कदम्ब की डारन। लीलाधर का लीला रस सदा ही आनंद का संचार करता रहता है, परंतु श्री कृष्ण कथा के मूल में जाऊं तो अधर्म से पीड़ित वसुधा का करुणा क्रंदन सुनाई देता है। जैसे सूर्योदय की पृष्ठभूमि में रात का अंधकार होता है, वैसे ही श्री कृष्णावतार का निमित्त बना पृथ्वी पर फैला वो तमस जिसका नाम था कंस। महाविनाशी काल नेमी का एकमात्र हूं अंश। क्या धरती क्या स्वर्ग लोक, मैं सर्व विजेता कंस। देवद्रोही दैत्य काल नेमी ने घोर तप कर ब्रह्मा से वर पाया और अजय हो गया। उसी काल नेमी ने द्वापर युग में यदुकुल में जन्म लिया और कंस कहलाया। अपने बल से उसने बड़े बड़े दैत्यों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया और देवराज इंद्र तक को पराजित कर दिया। दुरात्मा कंस से जरासंध की पुत्रियों का विवाह हुआ, जिससे उसके बल में और वृद्धि हुई। धरती पर पाप का बोझ बढ़ने लगा तो दुखिया वसुधा ने गाय का रूप लिया और रोती बिलखती देवताओं के संग श्री कृष्ण की शरण में आई। दानव दैत्य असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से मैं अत्यंत पीड़ित हूं। मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मेरा मुख और गौएं मेरा शरीर है। आप सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। मैं शीघ्र ही भूलोक पर अवतार लूंगा और वसुधा का संताप हरूंगा। हे भक्त वत्सल्य, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी और आपके अवतार लेने तक
केवल आपके नाम के सहारे पाप का बोझ सहूंगी। भैया आप तो दिख विजयी हैं, इस प्रकार मेरी रथ का सारथी बनना आपको शोभा नहीं देता। आज मैं केवल एक भाई हूँ जो हर्ष विभोर हो अपनी बहन को विदा कर रहा है। क्या तुम मुझे इस सुख से वंचित रखना चाहती हो देवकी? अरे मूर्ख, जिसे तू रथ में बैठा कर ले जा रहा है उसकी आठवीं संतान ही तेरे प्राण लेगी। आकाश से होने वाली ऐसी वाणी सुनकर दुरात्मा कंस क्रोध से थर थर कांपने लगा और अपनी सो गाइस, अभी तुम्हारा भाई आ चुका है वापस से होटल। दर्शन वगैरह काफी अच्छे हो गए थे अपन को, एंड कुछ चीजें हैं जो कि आज वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वो वाले मंदिर जाते हो तो क्या क्या आपको चीजें जो है मिस नहीं करनी है, किस टाइम के लिए, मतलब कि किस चीज के लिए किस टाइम का आपको पहुंचना पड़ेगा, वो सारी चीज अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो है अपन आ चुके हैं अभी अपने होटल पे, खाना वगैरह थोड़ी सी देर में आएगा। अभी तुम्हारा भाई जो है दूसरे रूम में, बाकी के सारे भाई जो है दूसरे रूम में बैठे हैं। चलते हैं आपको उनसे मिलवाते हैं, एंड थोड़ी बहुत चीजें जो है थोड़ी बहुत बातें जो है आज वाली वीडियो में। क्या भाई ये लड़कों का रहा भाई, क्या बताऊं, शाम की लाइन भाई, मंदिर आए हैं अपने, मतलब मथुरा जैसी लोकेशन है भाई। ठीक है भाई, क्या बोल सकते हैं इसको, तो सीन को जैसा सबका सीन अलग अलग रहता है भाई। उस रूम में थोड़ा वेदर अलग है, माहौल अलग है, वीडियो वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकते, बट एक काम करते हैं भाई, चलते हैं। चीज़ें क्या भाई, हाइड कर दूंगा, दिखाऊंगा नहीं, कटिंग तो मेरे हाथ में, पूरी एडिटिंग मेरे हाथ में, जो मैं चाहूँगा वो ही मैं दिखाऊंगा आज वाली वीडियो में। तो अभी अपन अकेले अपने रूम में, ये देखिए पीछे फोन पर। हेलो, क्या लेके जा रहे हो तुम? पेपर काय के लिए? तो वही, ये तो अपना पहला रूम, दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसा कैसा मंदिर आया अपन, शरम मरम है तुमको नहीं है? नो नंबर पे कॉल करेंगे तो क्या शकल का ऑर्डर ले लेंगे कब? वो जो अपन ने वो शो देखा था लेजर शो, वो कितने बजे स्टार्ट होता है? 9:10 पे। कितनी देर तक चलता है? 40 मिनट। 40 मिनट तक। तो अपना कैमरा जो है वहीं पर रखा गया था, कैमरा क्या मतलब मोबाइल ही सब कुछ है अभी तो। तो मोबाइल हो गया आपका, पर्स तो वैसे लेके जान देते, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना वो वाला कैमरा ले चल सकते थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, वीडियो अपने पास आ गई है। तो भाई सीन को जैसा है कि अभी तुम्हारा भाई फुल पावर आ चुका है रूम पे, खाना वगैरह सीन थोड़ी सी देर में होगा। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि कुछ कुछ चीजें जो है मैं आपसे शेयर करूंगा अभी थोड़ी सी देर में। चीजें ये हैं भाई, एक लेजर शो होता है वहाँ पे, अपना कैमरा तो अलाउड नहीं था, मोबाइल हो गया आपका जो है क्या बेल्ट होता है, बेल्ट हो गया, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, कुछ भी चीज अलाउड नहीं है, बाहर के बाहर रखा जाएंगी। और तो अपन ने एक भैया से बात कर ली थी, थोड़ा शोर ज्यादा आ रहा है, दूसरे रूम में चल के आप सबसे शेयर करता हूँ मैं। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था भाई कि क्या बोलते हैं लेजर शो हो गया, आज के 10 मिनट पर जो है वहाँ पे अपना लेजर शो स्टार्ट होता है, एंड वो चलता है मे बी शायद 9:45 तक। भाई क्या सीन है, क्या वेव है भाई, मतलब आने का मन नहीं हो रहा था, बट जो भैया अपन को लेके गए थे उनको घर जाके खाना वगैरह खाना था अपने चक्कर में, वो लेट हो रहे थे, तो मे बी जो है अपन 15-20 मिनट का शो वहाँ पर छोड़ के आए, भाई जाने का मन नहीं हो रहा था। और भाई वो भैया से ही अपन ने जो है उस लेजर शो की कुछ वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड कर भैया, वो आज वाली वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, आपको देखने को मिल जाएगी। एंड वहाँ पे जो भी कृष्ण जी की राधा जी की मूर्तियों की जो फोटोज है, कुछ कुछ फोटोज भाई कैमरा तो अलाउड है ही नहीं, बट जैसे जैसे अपने पास आ गई है, तो आज वाली वीडियो में काफी अच्छी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा भाई आज वाला वीडियो था मेरा कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर, जो कि जितना हो सका मैंने अच्छे से अच्छा बना के दिखाया, उसको बहुत अच्छा मैं बना सकते था। वहाँ पे जो वेव आ रही थी ना भाई, मतलब कृष्ण जी की मूर्ति सामने है भाई, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मतलब ब्लैंक हो जाता है इंसान भाई, बिल्कुल वैसा सीन हो गया था मेरे साथ। तो आने का मन नहीं था, बट ठीक है भाई, काफी अच्छे दर्शन हो गए। और इस वीडियो में जितना हो सके क्लिप मैं ऐड करूंगा, जो भी मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू भैया के थ्रू, मतलब भैया से मेरे पास आई है, और कुछ फोटोज है कृष्ण जी की और लेजर शो की कुछ वीडियो है, वो सारी चीज़ें आपको आज वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई सीन को जैसा है, आज वाली वीडियो को और ज़्यादा बड़ा ना कर दिया, उन्होंने यही पेंट करेगा, मिलेगा सबसे थोड़ी सी देर में क्या मिलेगा आप सबसे बहुत ही जल्दी एक और क्रेजी से ब्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का, सो टेक केयर एंड बाय बाय।